गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह सुबह 8 बजे मैं आ गई अभी किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। ब्रेकफास्ट में बनाएंगे पूरी। तो कल था लक्ष्मी पूजा, तो कल पूरे हमने बनाया था पूरे वेजिटेरियन खाना, उसमें प्याज लहसुन भी नहीं पड़ा था। तो उस कल जो बनाया था उसमें गोभी का सब्ज़ी एंड मटर पनीर, वो तो है ही, लेकिन आदित्य बोल रहा है ना मटर पनीर खाएगा, तो इसीलिए मटर पनीर कल का बचा हुआ है उसको गरम कर देंगे और यहाँ पे पूड़ियाँ तल लेंगे। तो बस ये ब्रेकफास्ट हो जाएगा और आदित्य को दे देंगे गुलाब जामुन, उसका गुलाब जामुन बहुत पसंद है। तो आज वो जा रहे हैं वापस भुवनेश्वर उसके कॉलेज में, तो जल्दी जल्दी उसको भी नाश्ता दे देते हैं, वो खाना खा के फिर वो निकलेगा 8:30 बजे। तो ये जो सब्जी कल का बचा हुआ था इसे भी गर्म कर देंगे। तो फ्रिज में ही था सब्जी और मिष्टी, मतलब जो गुलाब जामुन बचा हुआ था उसे भी गर्म कर दिया। हम लोग करते क्या है ना, फ्रिज में रखा हुआ स्वीट्स अगर बहुत ठंड पड़ता है और ठंडी के मौसम में वो स्वीट्स खाना है तो माइक्रोवेव में 30 सेकंड्स में गर्म कर लेते हैं और स्वीट्स अच्छा खासा फ्रेश हो जाता है और एकदम गर्मा गर्म गुलाब जामुन खाने में जैसा लगता है ना, थोड़ा सा गर्म करने के बाद उसी टाइप का ही लगता है और बहुत स्वादिष्ट भी लगता है, इसलिए मैंने गर्म कर लिया। आदित्य भी जाने के लिए एकदम रेडी हो गया। तो लाए थे तो 2 बैग, मतलब एक सूटकेस और वो जो लैपटॉप वाला बैग है वही लाए थे, और जाते टाइम 3 बैग हो गया, ये तो होता ही है। तो मैंने कंबल भी दे दिया उसे। मैं एक बैग लेके नीचे जा रहा हूँ, तेरा हल्का वाला ये वाला, ठीक है? और मैं वहाँ से बोलता हूँ तेरे को। ये तुम्हारे टास्क में नहीं है ना? ना। लावा की चीज़ तो बता। तू तेरे क्या करो? चार तेरे लाख की। लॉक चेन ये वो। ओपन है मुझे भी जा सकते हैं तेरे को नहीं। देखे नहीं हो सात दिन अभी पहुंचे फोन कर दिया मत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। मैं वंदना और आप देख रहे हैं ब्यूटी इन सिंपलिसिटी। दोस्तों, पूजा के कुछ दिन हम इतना बिजी थे कि कुछ वीडियो कर नहीं पाए, तो जितना भी किया था वो आपके साथ शेयर किया। तो आज तो सुबह सुबह 8:30 बजे अभी अभी आदित्य चला गया, तो उसका भी जाने का मन नहीं था, थोड़ा सा वो मतलब मायूस था, लेकिन जाना तो पड़ता है अपने फ्यूचर के लिए सबको, तो वो भी गए। तो मैंने उसको दिलासा दिया कि मैं जाऊंगी 1-2 महीने बाद, तो इससे मिल के आ जाऊंगी। तो यही है, वो फिर से आएगा 1 साल बाद, क्योंकि उसका 3rd ईयर चल रहा है, इसके बाद इंटर्नशिप शुरू हो जाएगा, तो उसका आना नहीं होगा। तो जो भी है, पूजा का टाइम तो उतना अच्छा नहीं गया, आपने देखा यह है, बाग भी नहीं देख पाया। दिल्ली में इतनी बारिश हो रहा है 4-5 दिनों से कि मेरे ये जो पीछे वाला बालकनी है यहाँ पे, ये देखो एक पेड़, परसों मुझे आवाज़ मिला था लेकिन ढूंढ के नहीं मिला। आज जब मुस्कान आया था काम करने, उसने बोला दीदी पीछे देखा है एक बड़ा सा पेड़ पूरे मतलब उसका रूट से गिर गया। यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो देखो वो नीम के पेड़ के अंदर से उधर है एक पेड़, पूरे उतना बड़ा पेड़ गिर गया। और मेरा घर का हालत ऐसा ही है, ये जो स्टडी रूम है ये सिर्फ मतलब कपड़े सुखाने के लिए अभी यूज़ हो रहा है। इतनी बारिश हम नहीं थे 4 दिन के लिए, तब हो जाते तो मुस्कान को पानी देने के लिए आना नहीं पड़ता, वो भी छुट्टी मिल जाते उसको। खैर कोई नहीं, वो आके छत के ऊपर जो पेड़ पौधे थे उसमें पानी दे के गया। और हाँ, जयपुर से लौटते टाइम
कुछ प्लांट मैंने खरीदी, तो उसको मैं आपके साथ शेयर करूँगी अभी। तो चलो वो देख लेते हैं, क्योंकि कुछ भी खरीदती हूँ तो आपके साथ शेयर ही करती हूँ। और वो प्लांट यहाँ पे इतना सस्ते में मिल गया उस टाइम, तो इसलिए मैंने खरीद भी लिया। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो नर्सरी है, जो गुड़हल का दो प्लांट का मतलब एक प्लांट का दाम जो बोलते हैं, उसी दाम में मुझे दो दो प्लांट मिल गए। तो ऐसे गुड़हल लिया, बहुत सारे लिया। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। पहला प्लांट है ये ब्लीडिंग हार्ट, ये थोड़ा महंगा आता है, तो ऐसे ही 3 इंच पॉट में लगा हुआ है। तो इसमें काफ़ी अच्छा फूल खिला था, ऐसे ही इसके अंदर से ये रेड कलर का एक फूल निकलता है और हार्ट टाइप शेप का होता है, काफ़ी खूबसूरत लगता है। ये प्लांट मेरे पास नहीं था तो ये मिल गया, तो ये भी एक ले लिया। ये थोड़ा महंगा मिला था, 100 रुपीज़ का शायद ये लिया था। और नेक्स्ट है ये है टिकोमा, इस कलर का टिकोमा जो यहाँ पे 250 से 300 रुपये, और बहुत ज़्यादा बूशी है, मैंने हमारे वसंत कुंज में यहाँ से 250 से 300 रुपये इसे लेता है। तो ये वहाँ पे 120 रुपये ऐसा ही कुछ लिया था, 120 या 100 रुपीज़ का आसपास ही, ऐसा ही कोई मुझे याद नहीं है वैसे। तो ये टिकोमा ऐसा ही है। और यहाँ पे गुड़हल ये डबल मतलब एकदम खिलता है, इस टाइप का मेरे पास ऑरेंज है, तो ये बहुत बड़ा सा एक गुड़हल खिलता है। तो ये जितने भी गुड़हल ये है क्या येलो कलर की गुड़हल, और ये छोटे छोटे ढेर सारे जैसे वो मिनी पिंक कलर की गुड़हल खिलता है उसी टाइप का ही है। तो ये मतलब ये जो प्लांट है, ये जो हाइब्रिड वाला, सारे हाइब्रिड है ये जो देख रहे हो, ये एक और है, इसके अंदर थोड़ा सा ये तो मुरझा गया, कल खिला था, मतलब ये पानी में पूरे गल गए ऐसे। ये देखो अंदर हल्का सा रेडिश कलर है, मेरे पास है इस टाइप का, लेकिन उसके अंदर डीप रेड है, तो हल्का रेडिस है, ये भी अच्छा लग रहा था। तो ये सारे गुड़हल का प्लांट लिया है 80-80 रुपये का। और ये वाला क्रोटन लिया है, खूबसूरत है ये क्रोटन। मैंने यहाँ पे बसंत कुंज में गए थे तो वहाँ पे 250 रुपये बोला था, इतना ही बड़ा प्लांट और इतना ही बुशी प्लांट 250 रुपये बोला था, तो मैं उसको बोला था 200 रुपये, तो तब दिया नहीं। और मैं इन्हें यही जयपुर के पास से वहाँ से लाया है 100 रुपये में। तो फ्रेंड्स यही था 1 2 3 4 5, ये जो 6 प्लांट ही मैंने ख़रीदा है। तो अब बताना ये 6 प्लांट मुझे आपको कैसा लगा। मुझे तो काफ़ी खूबसूरत लगा, इसका कलर ऐसे तो आपको ऑरेंज और क्या जो येलो है वो दिखाई देता है, लेकिन ये कलर काफ़ी खूबसूरत है। तो ये मेरे पास नहीं है, ये प्लांट नहीं था, और ये काफ़ी हार्डी प्लांट। दोस्तों आप सबके सपोर्ट से मेरे जो फैमिली है वो 1000 पार कर गए, तो आप सबको बधाई और थैंक यू आप सबको कि मुझे इतने सपोर्ट किया। और मेरे चैनल कल रात को ही ये दिखाई दे रहा है आपको, 1000 सब्सक्राइबर कल रात को ही पूरा हो गया था। तो इसके लिए आप सबको बहुत 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 धन्यवाद, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मेरे फैमिली मैं तो सोच ही नहीं सकती थी 1000 मेरे फैमिली में मेंबर 1000 मेंबर है। तो इसके लिए बहुत 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 शुक्रिया आप सबको। अब नेक्स्ट टारगेट होगा 5000, देखते हैं कितने दिन में होगा, ऐसे कोई हड़बड़ी नहीं है, धीरे 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 आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने का जो मज़ा है वो धीरे धीरे चढ़ने में ही अच्छा लगता है। अगर आप ऐसे सीधा चढ़ जाओ रॉकेट के तरह, तो आपको वो अनुभव नहीं मिलता कि आपने इतना परिश्रम किया, इतना मेहनत किया वीडियो बनाने में, और उसको धीरे 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 आपका चैनल ग्रो हो रहा है। तो मुझे काफ़ी खुशी है कि मेरा फैमिली मेंबर 1000 पार कर गया, और ये कल रात को लक्ष्मी पूजा के दिन 9 अक्टूबर ये हुआ था।
तो बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आज का और ब्लॉग करने का मूड नहीं हो रहा है, थोड़ा सा अपसेट लग रहा है क्योंकि आदित्य भी चला गया है। तो वो था मम्मी 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 पीछे पीछे करता रहता था, और मतलब कुछ भी हो तो मम्मी 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 ये कैसे इतना बड़ा हो गया फिर भी मम्मी मम्मी करता रहता था। तो आज उतना और कुछ ब्लॉग करने का इच्छा और मन नहीं है, तो आज मैं मेरा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो आज चलती हूँ, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।